नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार प्रणाम करता हूं, मेरे सभी भाइयों को, मेरे साथियों को। आप सबके परिवार में सब कुशल मंगल होगा, ऐसी मेरी मनोकामना है। कल 3-4 जगह के मेरे पास जागरणों के और भंडारों के निमंत्रण थे, और किसी कारणवश मैं दिल्ली जाना पड़ गया। मेरे को बहुत जरूरी काम था तो मैं वहां उन कार्यक्रमों में नहीं जा पाया हूं। मैं उन सभी भाइयों से, उन आयोजकों से कल ना पहुंच पाने का मुझे बड़ा खेद है, और मैं उन सभी से क्षमा चाहूंगा। और दूसरा, जितने भी मेरे हलके बरवाड़ा में हमारे साथी, जिला परिषद का, सरपंच का और BDC का चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी साथियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। भाईचारे के साथ इलेक्शन को संपन्न करवाएं। गांव के मौजूद साथी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या जो एक दूसरे के समर्थक हैं, पिछले काफी दिन से कई साथियों के मेरे पास फोन आए हैं जो सरपंच या जिला परिषद के चुनाव में कैंडिडेट हैं या कैंडिडेट समर्थक हैं। उन सबको मेरे बड़े शुभ आशीष हैं। बहुत शांतिप्रिय ढंग से इलेक्शन फाइट करें। मुझसे आपकी जो भी मदद हो पाएगी मैं जरूर करूंगा। आप सबसे बातचीत करने का मेन उद्देश्य यही था। एक तो कल मैं जिन कार्यक्रमों में नहीं जा पाया उनके आयोजकों से मैं खेद प्रकट करना चाहूंगा, और साथ के साथ जो वो मुझे जो उन्होंने ड्यूटी दी थी वो ड्यूटी उन सबकी पूरी हो जाएगी। और दूसरा, जो भी हमारे साथी इलेक्शन लड़ रहे हैं, काफी दिन से लगातार बार बार फोन आ रहे थे, उन सब के लिए है कि बहुत अच्छे से शांतिप्रिय ढंग से इलेक्शन को फाइट करें। सारा ही भाईचारा है, आपस के ही साथी हैं सभी के सभी, तो बहुत शांतिप्रिय ढंग से, शांतिप्रिय माहौल से इलेक्शन को लड़े। और जो भी भाई जीते या जो हारे वो सभी हमारे भाई हैं, उन सब का आपस में सम्मान करें। राम राम भाइयों, संजीव भाई राम राम, मुकेश भाई राम राम, मुकेश भाई राम राम। सुशील भाई राम राम, संजय भाई राम राम। ठीक है आप सभी भाई? मैंने जो आपसे बात कही है इस पे थोड़ा सा आप सभी गौर करें, और बाकी जो भी साथी मेरे से जो भी समर्थन चाहेगा उसको वो उपलब्ध हो जाएगा, मजबूती से इलेक्शन लड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।